आप ये बताओ, आप ये तुलसी का पत्ता है शायद जी, हाँ। तो नहीं कोई बात नहीं, 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 आप कह रहे नहीं नहीं ले लेंगे कोई बात नहीं, तुलसी का पत्ता तो हम लोग तुलसी का काढ़ा खाते पीते रहे हैं बचपन से। अरे राम मोदी योगी मंत्र मोदी योगी को मंत्र 3 बार सॉरी। क्या शुभ नाम है आपका? अश्विनी कुमार गुप्ता। क्या करते हैं? चूड़ी की फरम है अश्विनी कुमार एंड को। अच्छा चोरी की भरा चोरी चूड़ी बैंगल्स। अच्छा मैंने भी समझा जी, बैंगल्स कांच के कंगन, चूड़ियों का शोरूम है चोरी की भरा। हाँ गली बोरान में स्थित है। हाँ तो आप तो मुझे बातचीत से मोदी योगी जी के पक्के वाले समर्थक लग रहे हो। सभी दिख रहे हैं साहब, सभी अधिकतर अली साहब सभी नहीं है, आधे आधे से ज्यादा आधे हैं, आधे हैं तो जवाब नहीं था जी। एक मिनट, अभी क्या है मोदी योगी जी के समर्थकों में भी कंपटीशन है, कौन पक्का समर्थक है, कौन कट्टर समर्थक है, कौन भक्त है, कौन महाभक्त है, कौन अंधभक्त है, तो उसमें भी कैटेगरी है जी। तो आप अपने को गुप्ता जी किस कैटेगरी में मानते हैं? इस ऊंचाई पे इस देश को पहुंचाया है, पूर्ण रूप से इस ऊंचाई पे देश को पहुंचाया है। विदेश में जब मोदी साहब जाते हैं पूरा विश्व देखता गौर से। 10 साल हमारे प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कभी नहीं मालूम पड़ा कब गए कब लौट के आ गए। ना कोई होटल में रुकना, ना कोई खर्चे, वहीं हवाई जहाज के अंदर स्नान, लाउंज में हवाई अड्डे पर ही नहा रहे हैं और चल दिए मीटिंग की। अच्छा ये आपको कहाँ से पता चला कि मोदी जी ना होटल में रुकते हैं ना हवाई जहाज के खर्चे? हवाई जहाज के अंदर ना जी, हवाई जहाज ना तो गोबर गैस से चलता है जी, आप पैसे से चलता है, पैसे से चलेगा। हाँ जी हवाई जहाज भी 8,000 करोड़ में आया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलते हैं, ऐसा नहीं कि फिरोजाबाद की बैलगाड़ी पे मोदी जी। हाँ नहीं नहीं सही बात है। और अमेरिका अभी गए थे तो बड़े होटल में वहाँ भी रुकते रुकते हैं। हाँ तो ये सब कहाँ से आपको आता है कि कोई खर्चे नहीं करते? खर्चे कितने फैमिली के मेंबर ले जाते हैं मोदी साहब, नाम बताइए। इतने साल में मोदी साहब कितने मेंबरों को फैमिली को ले जाते हैं पिकनिक कराने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए? कोई नहीं, कोई है ही नहीं तो ले जाएंगे कैसे यार वो। और अपने दूसरे प्रधानमंत्री इतने थे, चाचा ताऊ मामा भांजे सबको चलो पिकनिक करेंगे। ये बताओ जी गुप्ता जी, चूंकि आपने बताया कि चूड़ी की फर्म है जो बैंगल्स कांच के कंगन, दिलचस्प किरदार मिले मुझे। और हम लोग हैं अभी ये कौन सा पार्क है? गांधी पार्क। गांधी पार्क में और मॉर्निंग वॉकर्स बहुत सारे हैं और उसमें ये सब का देख रहा हूँ मनोरंजन कर रहे हैं, तुलसी का पत्ता बांट रहे हैं, ठा के खुद भी लगवा रहे हैं, लगा रहे हैं और ठा के लगवा रहे हैं और ताली बजवा रहे हैं। जी जी लेकिन मोदी जी के एकदम पक्के वाले भक्त नहीं सभी है साहब? नहीं सभी अधिकतर तुम कहो ढाई बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये नहीं बहुत से आदमी मतलब आज के जो माहौल चल रहा है उसमें आदमी डर के खुल के नहीं बोलेगा क्योंकि हाल ये सब टोटल ये अंधभक्त है। सुन तो लो थोड़ा थोड़ा पीछे हटिएगा, थोड़ा आप सामने रहिए, मुख्य किरदार आप हैं। केवल केवल मुस्लिम एंटी मोदी हैं। सुन लो आप इनसे पूछिएगा एक मिनट, मोदी सभी बोलेंगे तो एक मिनट ये बोलना आपकी नाइंसाफी होगा। नहीं नहीं नाइंसाफी नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, आप क्लियर बोल, मैं क्लियर बोलता हूँ मैं। सर जी आपका नाम क्या है? प्रवीण जिंदल। प्रवीण जिंदल जी आप क्लियर बोलने से नहीं होगा ना, यूपी के 100% में 45% 48% वोट भी दिया तो 50% से ज्यादा लोग बच गए और मुस्लिम यूपी में 19% है। पूरे देश में जितने वोट मिले वो 36-37% मिले, बाकी जो बच गए वो सब मुस्लिम नहीं है। तो ये जिंदल साहब जैसे आप सोचते हैं उसी तरह से पूरी दुनिया नहीं, जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ तो कम्युनिटी के हिसाब से हम तो ये बता रहे हैं हम। हाँ। जो हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोचती है और हम लोग क्या सोचते हैं हम उस हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन फिरोजा अभी हम आंकड़ों पे जाएंगे तो फिर लंबी बात हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन चलिए आगे, तो पहले जैसे आपने कहा कि चूंकि आप किस कैटेगरी के मोदी जी का एक अंधभक्त हैं, इनके मुंह से सुनना चाहते हैं। विश्व देख रहे हैं, विश्व जब हमारा प्रधानमंत्री जाता है बताया ना आपको पहले हल्ला हो जाता विश्व में। गिलास को में देखिए ना, रेड कारपेट बिछाया जाता है, देखो परेशान
प्रधानमंत्री जी तो एक आपके प्रधानमंत्री ये भी तो है कि इवेंट के उस्ताद हैं। अगर वो पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करते हैं जी, तो हरकुलस विमान से जाते हैं, योगी जी थोड़ी दूर पैदल पैदल पीछे जाते हैं जी, और उसके बाद गाजे बाजे के साथ पूरा इवेंट बनाते हैं जी, इवेंट बनाते हैं। बनाना भी तो एक उस्तादी है ना जी हाँ, क्योंकि इसी एक्सप्रेसवे पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पहले भी विमान उतरे थे, पहले उतरे और 30 विमान उतरे, 3 घंटा चला, किसी को उतना नहीं पता चला जी। रावेल भी उतरा जिसपे प्रधानमंत्री वहाँ उतरे पूर्वांचल में, लखनऊ एक्सप्रेस तो हरकुलस उतरा हाँ जी। अच्छा, इसमें रावेल भी उतरे? राफेल तो अभी आया, अभी आए 10 साल बाद जो आएगा उसका अभी से एडवांस। राफेल उतर गए, सुखोई उतरे थे, सुखोई उतरे और जगुआर उतरा, जगुआर मिराज सब उतरा था, सब उतर गए जी हाँ जी। और कर्तव्य भी दिखाए थे खूब जबरदस्त, पिकनिक हुई जबरदस्त जी, जबरदस्त दिखा तो आपको सब जी 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 जी। मोदी का जादू है, मोदी जी का जादू है, अंधभक्त सब रास्ते रुक गए एक उद्घाटन में, और प्रदेश की चौथाई जनता परेशान हो गई, किसी की डिलीवरी होनी है तो बेचारा रास्ते में ही खड़ा रह गया, किसी के पेशेंट को डॉक्टर को दिखाना बेचारा खड़ा रह गया, पूरे उत्तर प्रदेश में वो सब चीज बर्बाद हो गई। 40,000 बसें पहुंची हैं वहाँ पर, पहुंची है हाँ, 40,000 बसें पहुंची हैं। अंजुम साहब हमारे ये अंधभगत हैं, ये दिन को रात कहते हैं और रात को ये दिन कहते हैं। 25% कौन लोग परेशान हुए ये आप समझो इस बात को, कि कौन सी कम्युनिटी के और कौन से लोग परेशान हुए, क्या समझो नहीं नहीं 25% आप ये देखिए कौन परेशान हुआ कौन नहीं हुआ। सुन लो, कम्युनिटी करोगे ना तो आंकड़े भी आप देखोगे तो जो आपके फिरोजाबाद के भी जितने वोटर हैं और उस वोट में टोटल वोटर में जितने वोट फिरोजाबाद में असीजा जी को मिले उससे ज्यादा विपक्ष के 3-4 उम्मीदवार को मिले, तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ वही लोग हैं यही लोग हैं उस चक्कर में हम ना पड़े, हम तथ्यों पर रहे, और चूंकि हमको एक अंधभक्त मिल गए हैं। सही बात है, चमचे नहीं है, चमचे नहीं है, चमचे नहीं है, गलत कामों की चमचागिरी नहीं कर सकते। अजीम साहब, अजीम साहब, आप लीजिए, गलत कामों की चमचागिरी नहीं कर सकते। अजीम साहब नहीं, पप्पू की चमचागिरी करें, चमचे चमचे नहीं है, कम से कम गुलाम नहीं है, हम लोग देश भक्त हैं सच्चे, जान भी हम अपनी दे सकते हैं, लेकिन देश भगत नहीं है हम इनकी तरह। सुनिए एक मिनट, सुनिए, भगत नहीं है हम, सुनिए मेरा, हम देश भक्त हैं, देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। देखिए देशद्रोही भी आ गया यहाँ पे, अब ये बताओ तो आप क्यों ऐसे अंधभक्त या महाभक्त या सुपर भक्त हो? 80 करोड़ जनता को कौन सी सरकार ने गल्ला फ्री दिया वो नाम बताओ, और ये बताओ एक मिनट, 2.5 लाख, एक सेकंड मैं काउंटर करता जाऊं। 2020 के पहले देश में कब कोरोना हुआ, विश्व में कब महामारी हुई ऐसी, ये बताओ। प्लेग वगैरह नहीं फैले गई सर? क्या महामारी कब हुई थी? लॉकडाउन हुआ कि 6 महीने तक आदमी घर में बंद होके रह गया, मजदूरों का इतना पलायन हो गया, वैसा पलायन वैसी तस्वीर आजादी मिली थी तभी, कष्ट में आदमी चलेगा दौड़ेगा, आप तुलना उसका मत करिए, ठीक है, कोरोना की तुलना बाकी समय से मत करिए। हाँ चलिए आगे, मकान के लिए 2.5 लाख किसने दिए अभी तक? घर के मकान नाम लगा हुआ है, घर के कागज जमा कितने कराए बैंक में? घर के कागज जमा भी तो कराए बैंकों में? नहीं, वो तो कागज जमा कराओगे तभी तो, वो तो प्रोसीजर है, प्रोसीजर है, वो तो मिलेंगे 2.5 लाख रुपए घर का मकान। 2.5 लाख दिए, कागज जमा ना करो, काहे को प्रूफ जमा करा? तो जमा करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो सब पहुंच जाएंगे फिर तो। ये 2.5 लाख रुपए हाई सोसाइटी वालों ने लिए, पैसे वालों ने लिए 2.5 लाख रुपए किसने लिए? हॉस्पिटल में जाओ, पहले भी होगी योजना, 6,000 रुपए डिलीवरी, घर पे आ रही है एम्बुलेंस, घर पे छोड़ रही है 6,000 रुपए। अच्छा ये बताओ, एक सेकंड, एम्बुलेंस में तेल नहीं है? तेल भी आप ही डलवाए? हाँ तेल भी नहीं है, तेल करके एक एक आयुष्मान 5 लाख रुपए एक एक करके काउंटर करते जी। थोड़ा पीछे बात करिए, एक एक करके और पूछिए साहब। लोग फिरोजाबाद में ही है, यहाँ डेंगू से मौतें बहुत हुई है, अस्पतालों के बाहर, अस्पतालों के भीतर, घरों में, तो ये फिरोजाबाद यूपी में भी है, डेंगू भी हुआ, बीमारी भी हुआ, ऐसी बीमारी हो गई कि 2 महीने तक सब बेकाबू हो गया। ये ईश्वर के हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं है, महामारी बीमारी बीमारी अपने हाथ में नहीं है, मोदी साहब ने फैलाई क्या? नहीं नहीं, मैं योगी साहब ने फैला दिया, नहीं रहा हूँ जी, लेकिन आपका मतलब ये हुआ कि जो बच गए वो मोदी जी की कृपा है जी? नहीं, ईश्वर की। अच्छा, मोदी कृपा क्या? अच्छा, ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में क्या है? आप हमारे साथ में जी, हम लोगों का सौभाग्य, हमने आपके दर्शन किए अभी तक अजीम साहब,
अजीम साहब नहीं, मेरा नाम नहीं अजीम अंजुम, अजीम अंजुम जी, अजीम अंजुम तेज आदमी है, मेरा नाम अजीत अंजुम है और जानबूझ कर अजीम भाई लगा दो भाई, एक मिनट सबसे ले लीजिए, आप जिस कैटेगरी के भक्त हैं उनसे बात करने में थोड़ा चमचे नहीं है। अब ये तो बड़ा दिलचस्प है ना कि दूसरी पार्टी का समर्थक क्या तो चमचा है। जितेंद्र जी इलेक्शन आप भी तो एंटी मोदी हैं। अजीत अंजुम जी अजीत अंजुम जी ठीक है, गुंडागर्दी पे बात करो ना, गुंडागर्दी खत्म हुई है, पकड़ भाई जरूर लेना, किडनैपिंग बिल्कुल बंद, सुन लो अजीत अंजुम जी, अजीत अंजुम जी सुन लीजिए आप, उधर जाके कर ले, मैं तो कहता हूँ ठोंकी बावा, कम से कम ठोंकी बावा ठीक है, पकड़ किडनैपिंग बंद बाबा, कितने जगह हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेल में अंदर बाबा, दंगाई कैसे बाबा पे, ये भी तो बताओ भैया, विकास विकास देश के अंदर प्रदेश के अंदर ठीक है, कोई जमीनों पर कब्जा नहीं हो रहा, डायल करो हाजिर, डायल करो, सब में ज्यादा विकास हुआ है सरकार के अंदर, रेफ ज्यादा हुए हैं, रेप केस ज्यादा हुए हैं, बिल्कुल रेप केस की बात कर रहे हो, इसी गांधी पार्क में मजनू आते थे, मजनू एंटी रोमियो स्क्वाड ऐसा बनाया बाबा ने ऐसा डंडा ठोका, एक भी मजनू नहीं दिखाई देता है, फिरोजाबाद में एमजी कॉलेज के सामने मजनुओं की लाइन लगती थी, मोटरसाइकिल पे बैठ बैठ के आते थे, तीन तीन चार चार और कलावा पहन पहन के बदल बदल के आते थे, ढोंग रहे थे, एक भी रोमियो नहीं दिखाई देता, ये बाबा की सरकार है, बाबा का पूरी तरह से कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया चल रहा है कि आज गुंडा पूरी तरह से घुटनों के बल, जो मुख्तार अंसारी जिनका के पूरे मऊ के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड था, वो घुटनों पर चलकर पंजाब से जेल में आया, एक था जिनका के तूती बोलती थी समाजवादी पार्टी, तूती बोलती थी कहाँ के आजमगढ़ के, आजमगढ़ के सांसद रामपुर के सांसद सीतापुर की जेल में सीतापुर की जेल में और समाजवादी पार्टी के रहनुमा कहा करते थे नेताजी, उनको कहते थे केवल सरकार यही चलाते हैं यही बनाते हैं, आज वो सांसद जी अपनी भीख मांग रहे हैं कैसे मुझे यहाँ से छुड़वा दो, यहाँ के विधायक भी जो कहते थे मैं रहनुमा हूँ जनता का, 3.5 साल जेल में रह के आए फिर निकल कर आ गए, अब कहते हैं मुझे वोट दो, मेरा पहले कहते थे छप्पर उठवा दो, अब फिर छप्पर उठवाने आ गए, अरे जनता की सेवा तो करो, 4.5 साल तक जिनका पूरी जनता ने सहयोग किया, जनता की सेवा करने वाली भाजपा, जनता की मदद करने वाली भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी और फिरोजाबाद में मनीष असीजा, जनता का जवाब नहीं, अटल पार्क बन रहा है, अटल पार्क मुर्तजा भाई साहब, अरे नाम सब जानते हैं, जितेंद्र भाई जानते हैं, सत्यवीर गुप्ता, सत्यवीर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पूरी तरह से बंधे हैं, तब तो आप बोलेंगे मेरे खूंटे से नहीं है, ये जनता बोलती है, बाबा का काम मोदी का काम जितनी कल्याणकारी योजनाएं किसी सरकार में नहीं आई, मोदी की योजना को प्रदेश की सरकार है 2017 से पहले चलाती नहीं थी, आवास जन कल्याण योजना में बताइए, जैसे एक मिनट गुप्ता जी जी जैसे मोदी सामने भेजी है, कुछ नाम ले लिया कि ये माफिया अंदर है, ये है फलना, तो ये भी है ना कि जो जिनके सरकार से अच्छे रिश्ते हैं, अमित शाह दूरबीन से ऐसे बता रहे हैं यहाँ सब माफिया मच्छर खत्म हो गए, बगल में अजय मिश्रा टेनी खड़ा था जिसके बेटे ने कुचला है किसानों को, अब सुप्रीम कोर्ट भी हंटर चला रही है 6 बार, और अजय मिश्रा हिस्ट्री शीटर खुद रहे हैं, मुकदमे रहे हैं उनपे 302 से लेकर और बाकी 307 और सारी दफ, आप लखीमपुर की बीजेपी के साथ है वो ठीक है, आपका प्रश्न है लखीमपुर खीरी को लेकर, देखिए ये दुर्घटना थी और आप कहते हैं ये तो SIT की जांच चल रही है, जांच में मालूम पड़ेगा कि अजय मिश्रा का बेटा दोषी है कि नहीं है, अरे कौन कहता है, वो वहाँ थे ही नहीं, वो दंगल करा रहे थे, अच्छा हाँ दंगल करा रहे थे और SIT की जांच बोलेगी,
सीबीआई जांच बोला कि सोसाइटी ने भी नहीं, उन्होंने खोला ही नहीं। अगर चाहते तो अब तो जो है किसी पे भी आरोप कोई लगा सकता है। अब ये बताइए यहाँ के लिए, जैसे फिरोजाबाद के लिए मुद्दा क्या है? फिरोजाबाद का मुद्दा विकास, 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 विकास। आसाबाद का रेलवे पुल, लेबर कॉलोनी का ओवर ब्रिज, चंदा गेट की पुलिया, मेडिकल कॉलेज में 100 सैया हॉस्पिटल, 200 सैया हॉस्पिटल। अरे काम चल रहा है, 3 महीने से धनाधन काम चल रहा है। ये काम ऐतिहासिक काम है, कोई नहीं कर सकता था। 2 पुलिया 4.5-4 मीटर पुलिया बनेंगी और ऑक्सीजन प्लांट। आखिरी समय नहीं बनना भाई साहब। अरे इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसको कहते हैं मनीष असीजा। आंधी में सब उड़ गए, अलीम भाई जो भी खड़े हुए थे चेयरमैन साहब के लिए, इनके भी इन्होंने भी कहा कि चेयरमैन की आंधी घंटी की आंधी सब उड़ गए। तो असीजा जी के सामने उनका विकास बोलता है, मनीष असीजा नाम है, काम ही पहचान है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी जनता पूरी तरह से लौट कर आ रहे हैं 2022 में, और बाबा का डंडा, योगी महाराज का डंडा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पहुंच रहा है। नो डाउट मनीष असीजा बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया, हम लोग भी उन्हें लाइक करते हैं, पर जिस पार्टी में वो पार्टी गलत है। आज वो निर्दलीय खड़े हो जाए, कहने की नहीं होती है। हाँ, हर बात कहने की नहीं होती है। निर्दलीय खड़े हो जाए तो जितने वोट वो बीजेपी के से जीते हैं उससे दुगने वोटों से वो जीतेंगे। हकीकत बात ये है, हमारे काम जो है वो शख्स ऐसा है कि कोई भी चली जाए, खासतौर नकाब वाली और मोमन दाढ़ी वाले, उसका काम पहले करता है और फिर पूछता है नंबर दे दो कि तुम्हारा काम हुआ कि नहीं, नंबर से लेके पूछ। ऐसे मैन जो है वो निहायत बढ़िया आदमी है, उससे बढ़िया कोई शहर में आदमी नहीं है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन ये पार्टी से वो मजबूर है, जो पार्टी के निर्देश होते हैं वो उन्हें करना पड़ता है। चलिए एक अच्छी बात है कि सबसे बुरी हालत ये है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी के लिए रिक्शे में बैठ के जाती है तो उसकी डिलीवरी रास्ते में ही हो जाएगी, वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। इतनी गंदगी और इतना बुरा हाल है शहर का, उसे देख करके आपके भी निकल है। आपको डरा रहे हैं, इतना बुरा आपको वापिस जाना चाहिए। ठीक है, आपको इतना कितना टॉप है, कूड़े के ढेर, नालियां, सब सफाई, क्या कहने। और देखिए डिलीवरी हो जाएगी, अमृत योजना के अंतर्गत एक अमृत पार्क बन रहा है।